नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज आपके सामने आ जा रहे एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी में पहला टॉपिक आता है आपका कि भाई कूलिंग कर्व क्या होता है प्योर मेटल के लिए। तो कूलिंग कर्व क्या होता है? जब किसी भी प्योर मेटल को उसके मेल्टिंग पॉइंट से अबव पॉइंट पे हम ठंडा करते हैं और उस टेम्परेचर को हम किसी भी ग्राफ पेपर पे या कर्व पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, प्लॉट कर देते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर पे वो मेटल ठंडा होता जाता है उसको उसका कूलिंग कर्व कहा जाता है। व्हेन ए प्योर मेटल इन मोल्टन स्टेट सफिशियंटली अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अलाउड टू कूल स्लोली, कि किसी भी प्योर मेटल को मोल्टन स्टेट में उसके मेल्टिंग पॉइंट से अबव पॉइंट पे ठंडा किया जाता है एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग कूलिंग आर रिकॉर्डेड एंड प्लॉटेड। जिस टेम्परेचर पे वो मेटल धीरे धीरे ठंडी हो रही है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको कर्व पे प्लॉट किया जाता है। उसी कर्व का नाम होता है कूलिंग कर्व। और ये किसके लिए यूज करते हैं? प्योर मेटल के लिए हमने यूज किया है। अलॉय क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलके एक मेटल बनाते हैं उसको हम उसका अलॉय कहते हैं। एन अलॉय इज एन इनिटीमेट मिक्सचर हैविंग मेटेलिक प्रॉपर्टीज। अलॉय दो एलिमेंट का मिक्सचर होता है जिससे डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हम क्रिएट कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट आउट ऑफ विच वन इज एट लीस्ट ए मेटल, कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को आपस में जोड़ते हैं तो कम से कम एक मेटल हमें मिलती है। एग्जाम्पल है कास्ट आयरन है, स्टील है, ब्रास है, गन मेटल है, वाइट मेटल है और ड्यूरालमिन है। इसके बाद बात करते हैं कि अलॉय का टाइप क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है अलॉय का। तो अलॉय को क्लासिफाई किया गया है उनके मिक्सचर के आधार पे। अगर दो एलिमेंट को आपने जोड़ के एक मेटल तैयार किया है उसको हम बाइनरी अलॉय बोलते हैं। अगर तीन एलिमेंट को जोड़ के एक मेटल तैयार किया है उसको टर्शरी अलॉय बोलते हैं। अगर चार एलिमेंट को जोड़ के हमने एक मेटल तैयार किया है उसको हम क्वार्टरनरी अलॉय बोलते हैं। अलॉय में भी क्लासिफाइड एज बाइनरी अलॉय, टर्शरी अलॉय एंड क्वार्टरनरी अलॉय डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट वेदर टू एलिमेंट आर मिक्स, थ्री एलिमेंट आर मिक्स एंड फोर एलिमेंट आर मिक्स रेस्पेक्टिवली। इसके बाद बात करते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम किसे कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम को हम फेज डायग्राम और कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम ऑल्सो नॉन एज फेज डायग्राम और कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्राम। इट इज़ ए टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम। ये टेम्परेचर को शो करने वाला डायग्राम होता है विच इंडिकेट द स्ट्रक्चरल चेंज दैट कैन टेक प्लेस ड्यूरिंग हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ अलॉय सीरीज, जो इंडिकेट करता है कि स्ट्रक्चर में जो मेटल है उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है जब उसको हमने हीट किया, जब उसको हमने ठंडा किया। ये होता है थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम। थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम इज ए टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम विच इंडिकेट स्ट्रक्चरल चेंज दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एन अलॉय। सिस्टम क्या होता है? बॉडी ऑफ ए मैटर कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग एंड सब्जेक्टेड टू चेंज इन कंपोजिशन टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम एंड एक्सटेंट अलाउड। किसी भी बॉडी का वो मैटर जो कंप्लीटली आइसोलेटेड होता है उसकी सराउंडिंग से, और उसमें बदलाव कब आता है? जब उसके टेम्परेचर को चेंज करते हैं, उसकी कंपोजिशन को चेंज करते हैं, उसके प्रेशर को चेंज करते हैं या फिर उसके वॉल्यूम को हम चेंज करते हैं। डिफाइन कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट क्या होता है? वो बेसिक केमिकल सब्सटेंस जो एक सिस्टम को बनाने के लिए ज़रूरी होता है उसको उसका कंपोनेंट हम कहते हैं। द बेसिक केमिकल सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए सिस्टम आर कॉल्ड कंपोनेंट। इसके बाद बात करते हैं फेज क्या होता है। ए फिजिकली होमोजेनियस डिस्टिंक्ट पोर्शन ऑफ ए सिस्टम। एक सिस्टम का वो होमोजेनियस होता है एक जैसा, यानी कि जैसे पानी में पानी मिलाएंगे तो वो क्या सिस्टम है हमारा? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इसी तरह से सिस्टम होता है जो फिजिकली इक्वल, किसी भी सिस्टम का वो पोर्शन जहाँ पे इक्वल आपको मिलती हैं चीज़ें, एक ही तरह का फेज आपको वहाँ पे मिलता है, उसको क्या कहते हैं हम? फेज कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? ए डिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ ए मल्टी फेज मिक्सचर इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। डिफरेंट डिफरेंट फेज मिलकर एक पार्ट तैयार करते हैं, उसी पार्ट को हम कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई लिक्विडस क्या होता है, लिक्विडस किसे कहते हैं। लिक्विडस वो पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइजेशन किसी भी मेटल या अलॉय में स्टार्ट होता है। तो इट इज़ द टेम्परेचर एट विच क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट।
लोकस ऑफ सच पॉइंट आर इज कॉल्ड लिक्विडस लाइन, अबव दिस लाइन अलॉय इज इन लिक्विड स्टेट। जो लिक्विडस पॉइंट होता है इसके ऊपर वाली जो लाइन होती है उसमें अगर अलॉय है तो अलॉय हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। डिफाइन सॉलिडस, सॉलिडस क्या होते हैं? सॉलिडस भी एक पॉइंट है जिस टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइजेशन किसी भी अलॉय या मेटल का एंड हो जाता है, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो सकता, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम सॉलिडस का नाम देते हैं। लोकस ऑफ सच पॉइंट कॉल्ड सॉलिडस लाइन। ये जो लोकस पॉइंट है जिस पे ये लाइन पे शो होते हैं, इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये, जिस लाइन पर ये पॉइंट होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, सॉलिडस लाइन कहते हैं। बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे अलॉय कम्प्लीटली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। लिक्विडस लाइन के ऊपर लिक्विड स्टेट में अलॉय पाया जाता है, सॉलिडस लाइन के नीचे जो अलॉय होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। सोलस क्या होता है? सॉलिड सॉल्युबिलिटी कर्व इन फेज डायग्राम। फेज डायग्राम के अंदर सॉलिड सॉल्युबिलिटी कर्व को ही हम सॉल्वस का नाम देते हैं। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर आपका सॉल्यूशन तैयार होता है। सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में मिलता है, माइनर कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, एंड सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूशन में मिलता है, जैसे चीनी, चीनी सॉल्यूट है, चीनी को अगर पानी में हम मिलाएं तो पानी आपका सॉल्वेंट है, चीनी और पानी का मिक्सचर जो बनेगा उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। यूटेक्टिक क्या होता है? ए थर्मली रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर लिक्विड एंड सॉलिड फेज आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जिसमें सॉलिड और लिक्विड फेज दोनों ही एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी कि कूलिंग भी और हीटिंग भी दोनों एक जैसे होते हैं, उसको हम यूटेक्टिक बोलते हैं। प्रीटेक्टिक क्या होता है? प्रीटेक्टिक भी एक थर्मली रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें सॉलिड और लिक्विड फेज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। लिवर रूल क्या कहता है? लिवर रूल होता क्या है? तो लिवर रूल यूज होता है कि प्रत्येक फेज में जो दो फेज का रीजन है वहाँ पे कितना परसेंटेज क्रिएट किया गया है। लिवर रूल इज यूज टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच फेज प्रेजेंट इन टू फेज रीजन। थ्री फेज होते हैं सॉलिड लिक्विड गैसियस फेज, ऐसे टू फेज की इसने बात की है। तो लिवर रूल इज यूज टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच फेज प्रेजेंट इन टू फेज रीजन। दो फेज रीजन के अंदर कितना फेज का परसेंटेज प्रेजेंट है उसको हम लिवर रूल, उसी के लिए हम यूज करते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय क्या होते हैं? जब दो मेटल्स कम्प्लीटली सॉल्युबल होते हैं, एक दूसरे में घुलनशील होते हैं और लिक्विड स्टेट में होते हैं, उसके बाद वो सॉल्युबिलिटी और होमोजेनिटी भी रखते हैं, सॉलिडिफिकेशन होने पर भी रखते हैं, ये अलॉय हमारे क्या कहलाते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय कहलाते हैं। व्हेन टू मेटल्स आर कम्प्लीटली सॉल्युबल इनटू ईच अदर इन लिक्विड स्टेट एंड रिटेन दिस सॉल्युबिलिटी एंड होमोजेनिटी इवन ऑन सॉलिडिफिकेशन, द अलॉय सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय। एग्जाम्पल कहाँ हैं इनके? AuAg, AuPt, कॉपर और निकल। इसके बाद बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय कितने तरह के होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और दूसरा है आपका इंटरस्टियल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन एंड इंटरस्टियल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? तो डिसऑर्डर सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसमें सॉल्यूट एटम नहीं पाया जाता है किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन में, बट डिस्ट्रीब्यूट होता है लगातार रैंडमली लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर, इसी को हम डिसऑर्डर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद आता है आपका ऑर्डर सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन क्या होता है। इन ऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन सॉल्यूट एटम ऑक्यूपाई वेरी ऑर्डरली। जो सॉल्यूट एटम होते हैं वो लाइन में जुड़े होते हैं एंड डेफिनेट पोजीशन पे जुड़े होते हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर। क्वेश्चन है कि क्रिस्टल लैटिस क्या होती है? क्रिस्टल लैटिस आपकी वो स्पेस होती है जहाँ पे एलिमेंट या एटम्स आपके एक नॉर्मल अरेंजमेंट में या रेगुलर अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं, वो आपके ऑर्डर सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन है, क्रिस्टल लैटिस, उस जगह को हम कहते हैं। इंटरस्टियल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं? ये सॉलिड सॉल्यूशन का टाइप होता है, सॉल्यूट एटम फिट होते हैं इंटरस्टियल या फिर जो खाली जगह होती है सॉल्वेंट एटम के बीच में, वहाँ पे फिट होते हैं एटम, उनको कहते हैं इंटरस्टियल सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट एटम फिट हो जाते हैं, जो सॉल्वेंट एटम के बीच में आपका वैकेंट सीट होता है वहाँ पे।
नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई कूलिंग कर्व प्योर मेटल के लिए डायग्राम कैसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। तो इसमें क्या है, नीचे टाइम को शो किया गया है। सेकेंड वन यहाँ पे ये टेम्परेचर का रेंज है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ये लिक्विड में जाता है। लिक्विड के बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाएगा। जिस पॉइंट पे क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट को लिक्विडस पॉइंट कहते हैं, मींस दैट बी पॉइंट इज लिक्विडस पॉइंट। और उसके बाद जहाँ पे ये क्रिस्टलाइजेशन एंड होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, सॉलिडस पॉइंट कहते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन एंड और क्रिस्टलाइजेशन बिगेन, ये दो पॉइंट थे जो आपको मैंने पहले भी बताए हैं। तो ये कूलिंग कर्व है जो शो करता है कि फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ है, मेल्टिंग पॉइंट कहाँ है, लिक्विड स्टेट में कब रहेगा, सॉलिड स्टेट में कब रहेगा। इसके बाद आता है कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे ग्रेन का साइज डिपेंड करता है। तो दो चीज़ें हैं जिन पे ग्रेन का साइज डिपेंड करता है, रेट ऑफ कूलिंग, हीटिंग एंड होल्डिंग टाइम फॉर मेटल इन फर्नेस। मेटल हीट होने में फर्नेस के अंदर कितना टाइम लेता है इस पे भी डिपेंड करता है। मेटल का टेम्परेचर हीट होने पे कितना है उस पे भी डिपेंड करता है, और रेट ऑफ कूलिंग क्या है उस पे भी आपका डिपेंड करता है। अब बात करते हैं भाई कूलिंग कर्व क्या है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ तो कूलिंग कर्व दोबारा मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि भाई जो आपका लिवर रूल है ये क्या है। लिवर रूल पहले भी मैंने बताया था, लिवर रूल आपका यूज होता है परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हर एक फेज की किसी भी दो फेज के रीजन के अंदर। जैसे मेटल ए दे रखा है, मेटल बी दे रखा है, ये टेम्परेचर दे रखा है, ये कंपोजिशन बाय वेट दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये सॉलिडस पॉइंट है, ये आपका लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन है, ये आपका लिक्विडस पॉइंट है। लिक्विडस पॉइंट पर आपका क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है, सॉलिडस पॉइंट पे क्रिस्टलाइजेशन आपका स्टॉप होता है। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। जो ये लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, लाइन रिप्रेजेंट करती है कि अलॉय कितने हैं, 20% हैं किसमें, मेटल ए में, और 80% किसमें हैं, मेटल बी में हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगर लिक्विडस फेज प्रेजेंट अगर आपको निकालना भी है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ सी डी अपॉन लेंथ ऑफ ई डी मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉलिड सॉल्यूशन वाला पहले भी बताएं कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशंस आपके क्या होते हैं। तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस आपके क्या हैं, इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, इस तरह के सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर एटम ऑफ सॉल्यूट सब्स्टिट्यूट एटम ऑफ सॉल्वेंट लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सॉल्वेंट। कि भाई जो एटम सॉल्यूट के जो एटम हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं, वो उसके बीच में फिल होते हैं, किसके बीच में, जो सॉल्वेंट आपके एटम्स होते हैं उनके बीच में जो वैकेंट सीट होती है, जो वैकेंट जगह होती है उसके अंदर ये बैठते हैं, ऑर्डर्ड में ये फिट होते हैं, इनको कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। कितने तरह के होते हैं, ऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन और आपका डिसऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, ये दो तरह के सॉलिड सॉल्यूशंस इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एसी का है कि ये सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में ऑर्डर्ड और डिसऑर्डर्ड कौन से होते हैं। तो आपको ये डायग्राम भी यहाँ पे दिख रहा है, सारी चीज़ें आपको मैंने इसमें शो की है। ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये आपका है डिसऑर्डर सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, ये है ऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको कि ऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, CuZn, AuCu, ये आपके इस ऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। ऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इसमें जो सॉल्यूट एटम होता है वो ऑर्डर में रैंडमली लगातार जुड़ा होता है अपनी फिक्स पोजीशन में क्रिस्टल लैटिस में सॉल्वेंट एटम्स के बीच में, जबकि यहाँ पर बीच में वैकेंट डिसऑर्डर जो होता है इसमें वैकेंट सीट होती है और ये पूरी तरह से फिल नहीं हो पाती। यहाँ पे देखोगे ये दो डार्क दिख रहे हैं, बाकी सब ब्लॉक हैं। यहाँ पे आप देखोगे सारे के सारे आपको डार्क दिख रहे हैं, इसमें कहीं पे भी कोई वैकेंट सीट नहीं है। इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशंस का डायग्राम भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशंस में क्या होता है, इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो इसमें इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशंस में अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि इसमें जो सॉल्वेंट एटम होते हैं, सॉल्वेंट एटम के बीच में सॉल्यूट एटम्स आपके फिल होते हैं और आपको ये डायग्राम में दिख भी रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन सॉल्यूट एटम्स फिट इनटू द इंटरस्टिशियल्स और स्पेसेस बिटवीन द सॉल्वेंट एटम्स। अब बात करते हैं कि भाई जो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलॉय के अंदर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी पाई जाती हैं। थर्मल और इलेक्ट्रिकल के कंडक्टर होते हैं, बट
प्योर मेटल जो होती हैं इनके बेस पर ही ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है, बट नॉट सो गुड कंडक्टर हो भी नहीं सकते। प्रॉपर्टी जैसे डायनेस्टी है, स्पेसिफिक हीट है, थर्मल एक्सपेंशन है, ये आपकी घटती हैं और बढ़ती हैं किसके आधार पे? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है उसके आधार पे ये प्रॉपर्टीज आपकी वेरी करती हैं, घट भी जाती हैं और बढ़ भी जाती हैं। स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस आर इंक्रीज्ड, स्ट्रेंथ और हार्डनेस हम इंक्रीज कर सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय के अंदर। डक्टिलिटी हम घटा भी सकते हैं मोस्टली, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आधार पे बढ़ा भी सकते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सोलवेंट इज नॉट मच अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये आपका एक टॉपिक था जो हमने आज किया था, और यहाँ से पेपर के लिए क्वेश्चन भी बन जाता है। क्वेश्चन आता है आपका कि भाई इसमें दो ही क्वेश्चन मोस्टली HSBT के एग्जाम में पूछता है, कि एक तो आपका एक कूलिंग कर्व है, एक आपका जो है लिवर रूल है, इससे भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है। अलॉय क्या होते हैं, अलॉय के एग्जाम्पल क्या होते हैं, और अलॉय कितने तरह के हैं वो भी पूछ लेता है आपसे। तो ये एक इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम भी खूब पेपर में पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।